दोस्तों, मैं प्रवीण आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल टाइटल में पढ़ लिया होगा, कि बात करेंगे कि विदेश में पढ़ने जाना क्या सही रहता है, नहीं रहता है, क्या क्या चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए अगर आप फॉरेन में अपनी स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं। क्योंकि कल मैं एक जगह जा रहा था तो मैंने एक ऑटो के पीछे लिखा हुआ देखा कि आप कनाडा में जाने का सपना होगा सबका पूरा, चाहे आपके कॉलेज में कैसे भी मार्क्स हो, स्कूल में कैसे भी मार्क्स हो, कैनेडियन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा, कुछ इस तरीके के वर्ड्स जो है वहाँ लिखे थे। तो ऐसे में मेरे दिमाग में आया कि लोग मार्केटिंग के चक्कर में क्या क्या करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता होता वो इन चक्करों में आके एडमिशन भी ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो पांच आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों को कंसीडर करने हैं अगर आप फॉरेन में पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा जानना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसे वीडियोज़ फ्यूचर में हम जब भी लेके आएँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहला पॉइंट है कि आप फॉरेन में पढ़ाई करने या ओवरसीज़ में पढ़ाई करने क्यों जाना चाहते हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि आपने फॉरेन को चूज़ किया, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉरेन पढ़ाई इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छी लोकेशन होगी, उनका जो ज़्यादा ध्यान होता है वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स में होता है, चीज़ों में होता है, पढ़ाई में ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा आप अगर फॉरेन में जा रहे हैं पढ़ाई करने, तो आपको क्या ऐसा एक्सक्लूसिव वहाँ पे फॉरेन में पढ़ने को मिलेगा जो इंडिया में नहीं मिलता। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है अलग सी जो इंडिया में पढ़ाई नहीं जाती है, इंडिया में अभी उस चीज़ की रिसर्च नहीं चल रही है, फॉरेन जो है इस मामले में एडवांस है, तब तो जाने में फायदा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो जाते हैं फॉरेन में पढ़ाई करने, वो रिसर्च के दौरान जाते हैं या फिर अपनी मास्टर्स के दौरान जाते हैं। ये पॉइंट कंसिडर करना बड़ा ज़रूरी है अगर आप फॉरेन अपनी पढ़ाई करने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों ने कंसिडर करना है वो ये है कि अगर आप फॉरेन में यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट एजेंसी से एफिलिएटेड है या नहीं है, या फिर रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, इन सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से, तो ऐसे में उन कॉलेजेस में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, आप जो है वहाँ की वीज़ा पॉलिसीज़ वगैरह देख ले, ये देख ले कि जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करता है नहीं करता। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वगैरह होते हैं जो कि आपको आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद वर्क परमिट और परमानेंट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने का मौका दे देती है, तो ये आपके लिए अच्छा रह सकता है। तो ऐसे ही कॉलेजेस को चूज़ करें जो आपको वहाँ पे वर्क परमिट वगैरह करने का मौका दे, ताकि अगर आप वहाँ भी काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर आप अपने देश आना चाहते हैं वापस काम करके तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज रह सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे स्टूडेंट्स जो है फॉरेन कंट्रीज पढ़ने तो चले जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेने वाले हैं वहां की वीजा पॉलिसी इस तरीके की है कि अगर आपको अपनी पढ़ाई करके अपने देश जाना ही होगा, चाहे भले आपकी एक अच्छी जॉब क्यों ना लग जाए उस फॉरेन कंट्री में आपकी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद। तो वीजा पॉलिसीज और इन सारी चीजों का ध्यान आपने जरूर रखना है, राइट। तीसरा जो पॉइंट आप लोगों ने कंसिडर करना है वो ये है कि जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, उस कोर्स की डिमांड क्या है, उस कोर्स की फ्यूचर ग्रोथ क्या रहेगी, उस कोर्स को करने के बाद जॉब्स कहाँ कहाँ पे आपकी लग सकती है, क्या उस कोर्स की डिमांड सिर्फ उसी कंट्री में है जिस कंट्री में आप जो है पढ़ाई करने जा रहे हैं, या फिर उस कोर्स की डिमांड इंडिया में भी है, इन सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि कहीं आपने जो कोर्स किया है उसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ उसी कंट्री में है जिस कंट्री में आपने वो कोर्स किया है, और अगर मान लो आपको किसी भी कारणवश भारत आना पड़ जाता है, इंडिया आना पड़ जाता है, या फिर जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री में आना पड़ जाता है, और उस कंट्री में आपकी इस कोर्स की, जो कोर्स आपने फॉरेन से किया, उसकी कोई डिमांड ना हो, तो आपके पैसे और आपका टाइम जो है बर्बाद जाएगा, राइट। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चौथा जो पॉइंट है आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे पढ़ने का, फंडिंग कैसे लाएंगे, राइट। फॉरेन में पढ़ने जाना है तो बहुत पैसा चाहिए होता है। अगर आपके डैडी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सोचने वाली पॉइंट हो सकता है। क्योंकि अगर आप फॉरेन पढ़ना चाहते हैं तो एक डिग्री कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम टू मिनिमम 50 से 60 लाख रुपये तो आपके खर्च होने वाले हैं इंडियन रुपीज़ में। तो आप किस तरीके से इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट करेंगे, लोन लेंगे तो अगर आपको उस कोर्स में, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में, उस कोर्स के लिए लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें भी देखनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, लोन्स का क्या क्राइटेरिया होता है, प्रोसीजर क्या होता है, ये भी चेक करना है। एजुकेशन लोन से रिलेटेड हमने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर ले। उन वीडियोस में दोस्तों मैंने इंटरेस्ट रेट्स के साथ कुछ बैंक के लोन वगैरह डिस्कस किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं, राइट। पांचवा पॉइंट जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है वो ये है कि आप अपने जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज का आप लोगों ने इंटरनेट में उनके रिव्यूज चेक करने हैं, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि असलियत क्या है।
बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप बने होते हैं, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे फोरम्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको रिव्यूज़ वगैरह मिल जाते हैं, ट्रू रिव्यूज़ मिल जाते हैं। सिर्फ आप लोगों ने उनकी वेबसाइट पे जाके नहीं चेक करना है, सभी जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी आप पॉसिबली जा सकते हैं वहाँ वहाँ पे आपको उसके रिव्यूज़ पढ़ने हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप एक अच्छा एजुकेशनल कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं तो वो भी करें, ऐसा करें कि जो आपको ट्रू जानकारी दे जिस भी कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो वहाँ की। ऐसा एजुकेशन कंसल्टेंट बिल्कुल भी हायर नहीं करना आप लोगों ने जो आपको ये बोलता हो कि हमारी सेटिंग है, हम डायरेक्ट एडमिशन करा देते हैं, आपको पैसा देना है, ये है करना है। आपको हमेशा लीगल प्रोसीजर में काम करना है, जो लीगली हो सकता है वही करना है। इसके अलावा आईलेट स्कोर वगैरह भी चेक कर ले कि कौन कौन से कॉलेजेस में रिक्वायर्ड है। इन सारी चीज़ों का दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखना है फॉरन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को ये खत्म करेंगे, आई होप जो हमारी कोशिश रहती है आप लोगों को अवेयर करने की वो पूरी हुई होगी। इसके अलावा बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, MBA से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप फॉरेन में MBA करने के बारे में सोच रहे हैं तो इससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक जैसे टेक्नोलॉजी, ओपिनियन, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके काम के हो सकते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, राइट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैल सके। इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।